यूपी के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां डायल 112 पीआरवी में तैनात पुलिस के जवान शिवम उपाध्याय ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। जी हां, गंभीर हालात में जो है उन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है, जहां पर सिपाही शिवम उपाध्याय की हालात बेहद चिंताजनक है। एसएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। भोजीपुरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वो गाड़ी से बाहर निकला तो थोड़ी देर बाद उसने फिर गोली चलने के बाद हमने आगे देखा, इसके बाद जो सरकारी पिस्टल रहती है उससे गोली मारी, गोली एक साइड से मारी गई है, दूसरी साइड से निकल गई, तो उसको SRMS से भर्ती कराया गया और अभी वो ICU में है और अभी तो सिचुएशन उसकी काफ़ी सीरियस थी और सभी उच्च अधिकारी लोग यहाँ पे आके उनका हाल चाल पूछा। साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक राठौर जुड़ चुके हैं। शशांक, पुलिस के जवान शिवम उपाध्याय ने यहाँ पर जो है सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है, क्या कुछ अपडेट्स है, क्या वजह रही थी जो इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है? मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के धौरा टांडा की पुलिस चौकी में क्षेत्र के में गश्त के दौरान PRV में तैनात कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, लेकिन उसे आनंद फान में घायल कांस्टेबल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अच्छा, तो अभी कोई वजह सामने नहीं आई है कि किस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, परिजनों का क्या कहना है इस मामले में? कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना पर DIG अखिलेश कुमार चौरसिया समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और अस्पताल में घायल कांस्टेबल का हालात जाने, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है और क्या वजह है इसके पीछे, वो वजह जांच के बाद निकल कर आएगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको बरेली से बताई, जहां कांस्टेबल ने अपने आप को गोली मारकर जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया, हालांकि उन्हें जो है समय रहते अस्पताल में तो भर्ती करा दिया गया, मगर हालात अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हमारे संवाददाता ने जैसा कि हमें बताया कि अभी तक कोई वजह का पता नहीं चला है, परिजनों का भी इस मामले में अभी कुछ कहना नहीं है कि क्या वो वजह रही होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम जो है कांस्टेबल द्वारा उठाया गया। हालांकि ये एक जो है जांच का विषय है कि किस वजह से, किस प्रेशर में या फिर किस दबाव में आकर इतना बड़ा कदम इनके द्वारा उठाया गया।